हाँ, पहले केक खिलाओगे फिर गोली खिलाओगे, ऐसा क्या? केक खाया है तो गोली भी खाना पड़ेगा। लायन लिखे हो ना शर्ट में, लायन खरगोश बन जाओगे जब पुलिस के हत्थे चढ़ोगे तो। हंस रहे हो जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। नाम है आपकी तो इतनी लंबी चौड़ी आपकी आकृति है, उसके बाद आपको इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? आप धक्का दोगे तो ही आदमी नहीं पड़ जाएगा। नहीं सर, वो एक्चुअली में 17-18 साल से सर, वो एक न्यू ईयर में ऐसी, न्यू ईयर में ऐसी क्या की न्यू ईयर में जनाब आप? ऐसी से एक गलती से इसको पहले आप बर्थडे पार्टी में लेके आए, बर्थडे पार्टी में इसकी न्यू ईयर पार्टी में लाने की क्या आवश्यकता थी इसकी? उसमें आपने इसमें लोड किया होगा एमनिशन को, लोड करने की क्या आवश्यकता थी? और आपने फायर किया ऊपर, खुला था क्या? खुले में फायर मार दिया ऊपर, मान लो वापसी में गिरने में किसी को चोट लग जाता, किसी बच्चे को, इसको गोली लग जाती, तो ये फायर किससे कराया? आपने खुद किया? आपके हाथों से हुआ? कितने राउंड फायर किए? क्या जरूरत पड़ी फायरिंग की? मजे में आवाज आई होगी, इतनी आवाज का ही सुनना है तो रिकॉर्ड करके रखा करो, इतने सारे यूट्यूब पे मिलते हैं, उसको चला दिया करो, ढक करके आवाज करेगा। ये पटाखा थोड़ी है भाई, ये आम फैक्ट में आता है, पता है कितना बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है? जब समय खराब आता है तो आपके वही बंधुओं ने भेजा होगा पुलिस को। हंस रहे हो जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ये कोई कंपटीशन था क्या ओलंपिक का, कि शूटिंग कंपटीशन में गए थे? एक तो रखना ही नहीं चाहिए सब चीजें, चलो रख लिए हो, खतरा है मान लो तो रखे हो, तो उसको क्या न्यू ईयर पार्टी में थोड़ी लहराना है? और उसी दिन दो आदमी किए, मतलब दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड भी हुआ होगा कि आज लेके आएंगे और आतिशबाजी करेंगे। बच्चे से करवा दिया आपने? बच्चा नाबालिग था कि बालिग था जिसे फायरिंग करा दिया आपने? नाबालिग, बताओ नाबालिग से आप फायरिंग करवाते हो आप लोग? कितना बड़ा अपराध की श्रेणी में जाता है जानते हो आप? नाबालिग से फायरिंग करा रहे हो, उसको ना ट्रेनिंग है ना कुछ है, टेढ़ा मेढ़ा मार देगा, जिसको पार्टी में बुलाए हुए दो चार आदमी कम हो जाएंगे। हाँ, पहले केक खिलाओगे फिर गोली खिलाओगे, ऐसा क्या? केक खाया है तो गोली भी खाना पड़ेगा, वो भी इतने इतने राउंड रखते हो। पांच ही लगती है पता है, एक राउंड सीधा मार दिया पांच छह खत्म हो जाते हैं, निकलते निकलते जाता है वो। पांच गोली कम है, एक गोली एक दुश्मन होता है, पांच राउंड रखे हो तुम तो, ट्रेनिंग किए होगे, ट्रेनिंग किए थे ऐसे खरीद लिए? कहाँ पे? दुर्ग पुलिस लाइन में। तो देर में जाओगे तो दुर्ग पुलिस लाइन का नाम रोशन करोगे। और उस छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दिया कहीं पे? ऐसे ही फायर करवा दिए उसको? गलती का कुछ एहसास हुआ है? दोबारा तो करोगे ही नहीं, नहीं तो वहाँ तो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, लाइसेंस नियम का उल्लंघन है। कुछ अपनी बात रखना चाहते हो इतने सारे मीडिया बंधुओं के सामने? कुछ अपील करना चाहते हो दूसरे लोगों से जो हथियार रखते हैं लाइसेंस भी हथियार, कुछ अपील करोगे उनसे? अरे अपील तो कर लो है कि तुम्हारी तरह गलती ना करें, अपील भी नहीं करोगे? तुम चाहते हो वो भी चलाएं, वो भी एंटरटेनमेंट लें? क्या बोल रहा है यार? देखो एक तो हथियार नहीं रखना चाहिए, रखा है तो फायर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कम दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। और तुमने कहीं अपलोड पक्का किया होगा तभी तो ये वीडियो आया हमारे पास, तो कहाँ से आया? आसमान से गिर गया, अपने सपने आ गए रात में और सपनों से वीडियो निकला, ऐसा हुआ? कहीं तो किसी रिकॉर्ड किया होगा ना, किसने रिकॉर्ड किया इसको? खुद ही रिकॉर्ड किया तो क्योंकि वीडियो बनवा, कम से कम ऐसे काम करते हो तो वीडियो बना के तो उसी के रखते ही हो हथियार, दुनिया देखे हथियार है हमारे पास। एक पैसे का बता दो फायदा हुआ आतिशबाजी करने से?
ये जो लायन लिखे हो ना शर्ट में, वो लायन खरगोश बन जाओगे जब पुलिस के हत्थे चढ़ोगे तो। बताओ, बच्चों से फायरिंग कराते हो, हथियार रखते हो, नए साल का आगाज ही आतिशबाजी फायरिंग से करते हो, जिसे साल भर फायरिंग होते रहे, साल भर कानून व्यवस्था बिगड़ते रहे। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।